तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, मैं आज अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पबजी मोबाइल के जायरोस्कोप को लेकर के। हमें ये स्कोप ऑन पर रखना चाहिए या फिर ऑलवेज ऑन पर, या फिर आप बेसिकली बोल सकते हो जायरोस्कोप स्कोप ऑन वर्सेस ऑलवेज ऑन कौन सा बेटर है। वही मैं आज आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर गाइस आप एक जायरो प्लेयर हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर से हेल्पफुल रहने वाली है। आपको बिल्कुल अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई जायरोस्कोप के एक्चुअली यूज़ कैसे करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिए गाइस, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पहले जायरोस्कोप की बात करते हैं। जिन लोगों को जायरोस्कोप के बारे में नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि भाई जो जायरोस्कोप है उसे आप एम इम्प्रूव कर सकते हो अपना, यानी कि अपने फ़ोन को टिल्ट करके एम कर सकते हो इजीली एनिमी पर, और बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है ये। अब बात करते हैं भाई जायरोस्कोप के अंदर भी दो मोड होते हैं, एक होता है स्कोप ऑन और एक होता है ऑलवेज ऑन। अब आपको किस पर रखना चाहिए? तो गाइस मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपको जायरोस्कोप से सिर्फ और सिर्फ रिकॉइल कंट्रोल करना है तो आप स्कोप ऑन कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन गाइस अगर आप जायरोस्कोप से अपने ड्रिल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, यानी कि अपना जो रिफ्लेक्सेस है उसे फास्ट करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा भाई कि आप जो है वो जायरोस्कोप को ऑलवेज ऑन पर सेट कीजिए, बिकॉज इससे बढ़िया तरीका आपको नहीं मिलेगा। और भाई शुरुआत में जो नए प्लेयर हैं जो जायरोस्कोप को अभी तक यूज़ नहीं किए हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है भाई जायरो को सीखने में। लेकिन भाई मैं बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता लगेगा, आप एक हफ्ते के अंदर भाई जायरो में परफेक्ट हो जाओगे। और एक बार आप अगर परफेक्ट हो गए जायरो के अंदर तो आपको गेम प्ले, आपका जो गेम प्ले इतना ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा भाई, क्या बताऊँ सीरियसली, आप बिल्कुल जायरो के फैन हो जाओगे, बिल्कुल उसके बिना आप खेल ही नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा तगड़ा गेम प्ले हो जाएगा और बहुत ही अच्छे रिफ्लेक्सेस हो जाएंगे। तो गाइस यही बोलूँगा कि जायरोस्कोप को अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप स्कोप ऑन पर रख सकते हो। अदरवाइज गाइस आप चाहते हो कि मैं जिगल भी कर सकूँ, सामने वाले बंदों को क्लोज कॉम्बैट में भी हरा सकूँ, तो मैं बोलूँगा कि आप जा सकते हैं ऑलवेज ऑन के अंदर। और गाइस ऑलवेज ऑन का एक फ़ायदा और है, अगर आप जायरोस्कोप को ऑलवेज ऑन पर सेट करते हो तो आप जायरोस्कोप बहुत जल्दी सीख जाते हो, क्योंकि गाइस ऑलवेज ऑन पर आपका जो क्रॉस एयर है वो जायरोस्कोप की मदद से टेढ़ा मेढ़ा भागता है, जिसे आप इजीली बहुत जल्दी कंट्रोल करना सीख जाओगे और आप जो है वो जायरोस्कोप को बहुत ही आसानी से परफेक्टली सीख जाओगे। लेकिन गाइस स्कोप ऑन अगर आप रखते हो तो जब आप स्कोप ऑन करोगे तभी आपका जायरोस्कोप काम करेगा, अदरवाइज गाइस आपका जो नॉर्मल क्रॉस एयर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, आपको अपने थंब से जो है वो एम चेंज करनी पड़ेगी। तो गाइस ये सबसे बड़े दो डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में। आप जो है वो जौन सा भी चाहे वो कर सकते हैं, स्कोप ऑन करना चाहे तो स्कोप ऑन कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन करना चाहे तो ऑलवेज ऑन। लेकिन गाइस मैं आपको एंड वक्त पर यही बोलूँगा, अपने जो राय है मैं आपको अपना जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि आप जो है वो ऑलवेज ऑन पर रखिए। अब ऑलवेज ऑन पर रखोगे तो गाइस उसके मैं फ़ायदे बता देता हूँ। गाइस सबसे पहला फ़ायदा, आप बहुत जल्दी जायरोस्कोप सीख जाओगे। अगर गाइस आप स्कोप ऑन करके जायरोस्कोप सीखोगे दो हफ्ते में, तो अगर गाइस आपने ऑलवेज ऑन कर लिया तो आप जो है वो एक हफ्ते से भी कम में जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि गाइस वहाँ पर आपका जायरोस्कोप फुल तरीके से काम करता है। ऑलवेज ऑन का गाइस सबसे पहला फ़ायदा ये। अब गाइस दूसरा फ़ायदा ये है कि आप जो है वो क्लोज कॉम्बैट की फ़ाइट में भी बहुत आसानी से भाई सर्वाइव कर जाओगे, सामने वाले बंदों को स्क्वाड आसानी से जो है वो आप वाइप कर सकते हो। गाइस इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप ऑलवेज ऑन पर रखते हो तो गाइस आपके जो थंब हैं वो फ्री रहते हैं, क्योंकि आपका जो क्लोज कॉम्बैट है उसके अंदर आप अपने जायरो से एम कर सकते हो और आपके थंब फ्री रहेंगे, तो गाइस आप क्राउच भी कर सकते हो, साथ में आप जो है वो जिगल भी दिखा सकते हो। लेकिन गाइस आप ऐसा स्कोप ऑन के अंदर नहीं कर सकते हो, क्योंकि गाइस स्कोप ऑन के अंदर आपको जो है वो अगर रखते हो तो आप अपने थंब से ही जो है वो एम करोगे सामने वाले बंदे के पास में, और गाइस अगर आप थंब से एम करोगे तो आपका एक थंब तो वैसे ही चला जाएगा वेस्ट, आप क्राउच भी नहीं कर पाओगे अगर आप क्लॉ खेलते हो, बस आप जो है वो थोड़ा सा मूवमेंट वैसा जो है वो कर सकते हो। लेकिन गाइस अगर आपका जायरोस्कोप ऑन है ऑलवेज ऑन पर, तो गाइस आप जो है वो सब कुछ कर सकते हो, जिगल भी कर सकते हो, क्राउच भी कर सकते हो, प्रोन भी कर सकते हो, यानी कि पूरी पकड़ आपकी बनी रहती है और आप आसानी से सामने वाले बंदे को ख़त्म कर सकते हो। तो गाइस यही बोलूँगा कि जो है ऑलवेज ऑन जायरोस्कोप सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छा गेम प्ले आपको मिलेगा अगर आप जायरोस्कोप ऑन करके खेलोगे तो। और बाकी भाई आपकी चॉइस है, अगर आप जो है वो अपने थंब से भी अच्छा रिकॉल कंट्रोल कर लेते हो या फिर आप थंब से भी जो है वो अच्छी क्लोज कॉम्बैट फाइट कर लेते हो तो आप जो है वो स्कोप ऑन पर भी रख सकते हो। ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है गाइस, तो आप जैसा भी अच्छा लगे तो आप देख लीजिएगा। तो एक और नई वीडियो में गाइस मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए अलविदा।